एक मोहब्बत और सही, सरापाए इश्क हूँ मैं, अब बिखर जाऊँ तो बेहतर है, जिधर जाते हैं ये बादल उधर जाऊँ तो बेहतर है, ये दिल कहता है तेरे शहर में कुछ दिन ठहर जाऊँ, मगर हालात कहते हैं कि घर जाऊँ तो बेहतर है, यहाँ है कौन मेरा जो मुझे अपना भी समझेगा, मैं कोशिश करके अब खुद भी सवर जाऊँ तो बेहतर है। नताशा के हालात संवरने के बजाय बिगड़ते ही चले गए, हालांकि वो सिर्फ दो मर्तबा ही फरहाद की आर्ट गैलरी में गई थी, पहली मर्तबा तन्हा और दूसरी बार राहील के साथ, और इसके बाद उसने कई हफ्ते दोबारा उस जानिब का रुख भी नहीं किया। उसे राहील अपनी बेटी और अपनी पुरसकून जिंदगी हाथों से फिसलती नजर आने लगी। ये मोहब्बत हमारे दिलों पर तब ही शब खून क्यों मारती है जब हम इसके वार से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं। यही जुर्म हमारे मशरिक में किसी औरत से सरजद होता तो तूफान आ जाता, फिर चाहे वो नताशा की तरह यकतरफा और बिना इजहार वाला जज्बा ही क्यों ना होता, लेकिन एक मुकम्मल बर्बादी औरत का मुकद्दर होती है। लेकिन ये पेरिस था और नताशा एक अतालवी नजाद फ्रांसीसी शहरी, फिर भी राहील के अंदर अपनी पुरानी इकतदार गहरी जड़ों तक मौजूद थी, और फिर इसे अब भी नताशा से शदीद मोहब्बत थी। वो चाहता तो चीखता चिल्लाता, उसे बेवफाई के ताने देता, हाथ पकड़कर घर से निकाल भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर वो मोहब्बत ही क्या जो दूसरे के पलट जाने पर ही अपनी अहमियत ही खो दे, अपना वक़ार अपनी ग्रेस ख़त्म कर दे। राहील ने ठीक उस डूबते जहाज़ के कप्तान जैसा भरम रखा जिसके सामने उसकी मताए हयात कतरा कतरा करके डूब रही हो, लेकिन वो आखिरी मुसाफिर को भी बचाने की खातिर अरशे पर आखिरी वक्त तक सीना ताने खड़ा रहे, और जहाज़ से बंधी आखिरी कश्ती के समंदर को डूबने के बाद भी जहाज़ के साथ ही गर्क हो जाए। नताशा ने भी मगरबी माशरे की एक आज़ाद औरत होने के बावजूद अपनी कम गश्ता मोहब्बत की हुरमत कायम रखी, और आखिरी वक्त तक फरहाद को अपने दिलो दिमाग में चलती जंग के साए में कुछ नहीं बताया। ता वक्तिया उसने राहील से हर बात बांट ना ली। राहील को नताशा के इस आखिरी कड़वे सच पर भी मान था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया लुटते हुए ज़्यादा देर नहीं देख पाएगा। उसने नताशा से आखिरी फैसला करने का कहा। नताशा खुद भी राहील को यूं लम्हा बलम्हा टूटते नहीं देखना चाहती थी, सो उसने खुद ही अपनी फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई और खुद ही अपनी सज़ा भी तय कर दी। उम्र भर की जुदाई, जबकि कोई जज किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है तो वो असल में मुलजिम को उसके प्यारों से उम्र भर की जुदाई की सज़ा दे रहा होता है। सो नताशा ने भी अपने लिए एक नए तर्ज की उम्र कैद चुन ली थी। राहील ने नताशा से भी पूछा कि क्यूपिड के वार का शिकार अगर नताशा का दिल हुआ था और जुर्म की सरजदगी भी उसके दिल के सर है, तो फिर राहील को भी क्यों सज़ा मिल रही है। शायद दिलों के जुर्म ही ऐसे होते हैं कि करता कोई और है और भरता कोई और। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी के तीसरे मरकजी किरदार फरहाद को अभी तक इस बात की खबर नहीं थी कि वो कितनी जिंदगियों में तूफान का बाइस बन रहा था। हालांकि अब उसकी नताशा से अच्छी खासी पहचान हो चुकी थी, वो इसके तमाम ख़ानदान से भी मिल चुका था, लेकिन नताशा ने राहील के कहने पर भी अपने दिल का हाल फरहाद पर आश्कार नहीं किया। उसने अपने दिल को सज़ा देने के लिए एक अजीब जुआ खेलने का फैसला कर लिया था। उसका ज़र्फ उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वो राहील के होते हुए फरहाद के सामने दिल के लुट जाने की दुहाई दे। फिर अगर किसी वजह से फरहाद ही उसे ठुकरा दे तो फिर से रोती धोती राहील की ज़िंदगी में वापस आ जाए। लिहाजा इसने आखिरी कश्ती जलाकर तख्त या तख्ते का फैसला करने की ठान ली थी। उसने राहील को भी सख्ती से मना कर दिया था, जब तक वो अलहदा ना हो जाएं, तब तक फरहाद को इस बात की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि उनकी अलहदगी की वजह खुद उसी मर्द मगरूर के हाथ से कैनवस पर फेंके गए चंद रंगों के छींटे हैं। बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आने वाली ऐसी दास्तानें सिर्फ मगरब ही में जन्म ले सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी मर्द का एक के बाद दूसरी फिर तीसरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाना तो आम सी बात समझी जाती है,
मगर औरत बेचारी अपने ख्वाब में साए अक्स से परे भी अगर किसी की गैर शबी देख ले तो घबरा कर खुद ही उठ बैठती है। मशरक में वफा के पलड़े का सारा बोझ औरत ही को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का मर्द उस तराजू में तुलता ही नहीं। लेकिन नताशा ने अलहदा होते हुए भी अपनी वफा का एक मैार कायम रखने की ये अनोखी कोशिश ज़रूर की। वो नहीं जानती थी कि राहिल से अलहदा होने के बाद फरहाद उसे अपनाएगा या उसकी सारी दास्तान को एक कह के ही में ख़त्म कर देगा, क्योंकि खेल तो सिर्फ नताशा ही ने अपनी ज़िंदगी के साथ खेला था। फरहाद की वफा और मोहब्बत तो कभी इस खेल से मशरूत ही नहीं थी। राहिल नताशा के पास इस पागलपन से कभी कभार इतना बिखर जाता कि उसका जी चाहता कि वो हाथ पकड़कर उसे फरहाद की आर्ट गैलरी में छोड़ आए, ताकि नताशा ये अंधी चाल चलने से पहले सिर्फ एक बार अपने पत्ते ज़रूर देख ले कि मात ही तो उसकी बाजी का मुकद्दर नहीं। लेकिन बिला आखिर राहिल ही को हथियार डालने पड़े। वहाँ उसकी माँ की तबीयत पाकिस्तान में मुसलसल बिगड़ती जा रही थी और उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि एक बार अपनी बहू और पोती से मिल ले, क्योंकि नताशा शादी के बाद से अब तक राहिल के वतन नहीं जा पाई थी। लिहाजा राहिल ने उससे इस आखिरी हमसफरी की दरख्वास्त की और तय पाया कि राहिल की माँ से मुलाकात के बाद खामोशी से वो दोनों जुदा हो जाएंगे और इसकी खबर राहिल की बूढ़ी माँ को कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो यही समझती रहेगी कि उसका बेटा और बहू खुशी खुशी अपने घर लौट गए हैं। नताशा की अजीब दास्तान का अख्तिताम अभी बाकी था, लेकिन मैं उस रात लम्हा भर के लिए भी आँख नहीं झपक सका। क्या मोहब्बत दोबारा भी हमारी ज़िंदगियों में पलटती है? वफा क्या है और इसकी हदें कहाँ तक मुकर्रर हैं? हम अपनी ज़िंदगी में जिस मोहब्बत के हुसूल के लिए पागल होते हैं, अपने दिल के किवाड़ दूसरे पर हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं, क्या वो ही हमारी आखिरी मोहब्बत होती है? क्या मोहब्बत और वफा के मैयार भी हमारी माशरती इक्तदार के ताबे होते हैं और हम सिर्फ इन्हीं की पैरवी ही को इन जज्बों के परखने का असल पैमाना तो नहीं समझ बैठे? जाने इस मोहब्बत नामी मोमे की कितनी परतें, कितने पहलू और कितने जाविये मजीद ऐसे थे जिनसे मेरा पाला पड़ना भी बाकी था। रात भर सुल्तान बाबा बेहद बेचैन रहे और बार बार उनकी आँख खुलती रही। मुझे उनकी तरफ से बेहद तशवीश थी और मैं इस परेशानी में कई मर्तबा खुद अपनी दवाई लेना भी भूल जाता था। हालांकि मुझे डॉक्टरों ने सख्ती से ताकीद की थी कि अपने शहर पहुंचने तक मुझे हर हाल में इन दवाओं का इस्तेमाल जारी रखना होगा, वरना समंदर के सफ़र में मेरी तबीयत मज़ीद बिगड़ने का एहतमाल भी हो सकता है। मेरे दौरों का दौरानिया वैसे भी अब तवील तर होने लगा था। उस रात भी कई मर्तबा मेरी रगों में जैसे मुकम्मल अंधेरा सा छाने लगता और कई मर्तबा मुझे अपना सर झटक कर उठ के टहलना पड़ता। नतीजतन सुबह मेरी तबीयत नहायत बोझल थी और सर दर्द से फट रहा था, लिहाजा मैं अपने केबिन ही में पड़ा रहा। सुल्तान बाबा के कमरे में नर्स उनकी दवाओं का चार्ट बना रही थी। कुछ देर में मेरे केबिन के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने राहिल साहब खड़े थे। मैं मुखल तो नहीं हुआ, दरअसल तुम्हें नाश्ते पर डाइनिंग हॉल में नहीं देखा तो तशवीश हुई। जी, मेरी तबीयत कुछ बोझल थी, इस वजह से नीचे नहीं आ सका। उन्होंने फौरन मेरी नब्ज देखी और तेज़ बुखार का खदशा जाहिर किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं दवा ले चुका था। उन्होंने तजवीज़ दी कि मुझे इस हाल में बंद कमरे के बजाय अर्शे पर खुली फिजा में रहना चाहिए, ताकि सुबह की ठंडी हवा में मेरे तपते जिस्म को कुछ राहत मिल सके। कुछ देर बाद हम दोनों जहाज़ के डेक वाले हिस्से में लकड़ी के पतले तख्तों से एक ऊंचे प्लेटफॉर्म नुमा अर्शे पर खड़े थे। आसपास सफ़ेदी वर्दी पर नीली लकीरों वाली मखसूस टोपी पहने जहाज़ का अमला सफाई कर रहा था और सेल्समैन अतालवी जबान में कोई गीत गुनगुना रहे थे। राहिल साहब ने दूर बनती लहरों को देखते हुए मुझसे पूछा, जानते हो ये मल्ला इस अतालवी गीत में क्या गुनगुना रहे हैं? मैंने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। ये कह रहे हैं कि बादबान ऊंचा कर लो, पतवार और तेज चलाओ, क्योंकि एक बड़ा तूफान हमारी ताक में है। हमारा साहिल दूर है और कप्तान की महबूब फूल लिए इसका इंतज़ार कर रही है। आपको अतालवी आती है? हाँ,
कुछ अरसे रहा हूँ वहाँ। नताशा के घर वालों के सामने बहुत पापड़ बेलने पड़े थे मुझे। वहाँ की बहुत सी रस्में अब भी हमसे मिलती जुलती हैं। मैंने गौर से उनकी तरफ देखा। क्या बादबान ऊँचे करने और पतवार तेज चलाने से तूफान से बचा जा सकता है? उन्होंने चौंक कर मेरी जानिब देखा। शायद वो मेरा इशारा समझ गए थे। नहीं, तूफान तो आकर ही रहते हैं, लेकिन तूफानों के डर से समंदर को वीरान भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। और फिर जिनकी नाव ही में छेद हो जाए, इन्हें तूफान से क्या गिला? अगर डूबना ही मुकद्दर है तो फिर सुकून से बिना किसी आवाज के क्यों ना डूबा जाए? शोर मचा के और वावेला करके समंदर का तकद्दुस पामाल करने से क्या फायदा? मैं उनके चेहरे ही से उनके अंदर उठते तूफान की एक झलक देख सकता था। मैंने इन्हें फिर टटोला, आप इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हैं? जो डूबने का हौसला रखते हैं वो तूफानों का रुख भी तो मोड़ सकते हैं। वो मुस्कुराए, कितनी घायल मुस्कुराहट थी। वो जिस माशरे में पली बड़ी है, वहाँ मोहब्बत का हो जाना हादसा तो हो सकता है, जुर्म नहीं। और मोहब्बत जुर्म तब बनती है जब वो अपने साथ एहसास जुर्म लेकर आए। और फिर ये दिलों के सौदे हैं, यहाँ डूबने वाले ही फाते करार पाते हैं। इसके दिल में बाल आ जाने से मेरी मोहब्बत पर कोई फर्क पड़े तो फिर ये मोहब्बत नहीं, सौदा गरी हुई। मैं सिर्फ अपने एहसास के साथ भी तो हमेशा जिंदा रह सकता हूँ। जानते हो, मोहब्बत जितनी पुरानी होती है उतनी ही खून में सरायत कर जाती है। कोई भी नई मोहब्बत पिछली मोहब्बत का खून में बसा ये जहर निचोड़ नहीं सकती। तो फिर आप खून में सरायत की हुई इस मोहब्बत को इतना बड़ा जुआ खेलने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? आप पाकिस्तान में रह जाएंगे और वहाँ फ्रांस में फरहाद इन्हें कबूल नहीं करेगा भी? या इनके इतने बड़े कदम उठाने से सिर्फ अफसोस का इजहार करके अपनी ज़िंदगी में फिर मगन हो जाएगा? हो सकता है उसे पहले से किसी और से मोहब्बत हो। मोहब्बत भला कब किसी का इंतज़ार करती है? मेरा लहजा शायद जज्बात की वजह से कुछ ज़्यादा तल्ख और बुलंद हो गया था। तभी हमारे पास से गुजरती एक बूढ़ी खातून मुसाफिर ने अपने काले जालीदार हैट के नीचे से हम दोनों पर खशमगी सी निगाह डाली। राहिल साहब कुछ देर चुप रहे। जुआ नताशा ने खेला है, लेकिन बाजी मैंने बिछाई है। मैं अपनी हमसफर को उसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सफ़र में तन्हा कैसे छोड़ सकता हूँ? दो दिन बाद हम जिस बंदरगाह पर उतर रहे हैं वहाँ फरहाद पहले से मौजूद होगा। मेरे पाँव तले से जैसे किसी ने अरशे का तख्त खींच लिया और मुझे यूं लगा जैसे मैं धड़ाम से समंदर में जा गिरा हूँ। राहिल साहब मेरी कैफियत से बेखबर मुझे तफसील बताते रहे कि किस तरह पेरिस में जब वो नताशा की ज़िद के आगे हार मान गए और उन्होंने उसे आज़ाद करने का फ़ैसला कर लिया था, तब उन्होंने नताशा की सबसे करीबी दोस्त सोनिया से राब्ता किया। सोनिया नताशा की क्लास फेलो भी रह चुकी थी, लिहाजा राहिल और नताशा की अलहदगी का सुनकर वो खुद हैरत ज़दा रह गई। वो नताशा से लंदन से दूर रहती थी, मगर राहिल ने बड़ी मुश्किल से उसे इस बात पर आमादा किया कि वो ये खबर किसी तरह से फरहाद तक पहुँचा दे कि राहिल और नताशा आपस में अनबन और ज़हनी हम आहंगी ना होने की वजह से अलहदा हो रहे हैं। राहिल ने सोनिया को सख्ती से ताकीद की कि नताशा का भरम कभी ना टूटने पाए और फरहाद को ज़रा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि नताशा राहिल से क्यों जुदा हो रही है। सोनिया को फरहाद के सामने ये जाहिर करना था कि वो अपनी अजीज उस जान सहेली के लिए बहुत परेशान है और वो चाहती है कि अगर फरहाद पर पहले से किसी वादे या रिश्ते का बोझ नहीं है तो वो नताशा को अपना ले। राहिल ने सोनिया को ये पैगाम देकर फरहाद के पास भेज तो दिया, लेकिन खुद अंगारों पर लौटता रहा। दुनिया में भला कौन होगा जो किसी लुटेरे को खुद मदु करे कि आओ और मेरी मताएं हयात लूट कर चलते बनो। दूसरे दिन जब सोनिया ने राहिल को आकर ये बताया कि पहले तो फरहाद उनकी जुदाई के सदमे से संभल ही नहीं पाया क्योंकि वह नताशा के पूरे ख़ानदान से वाकिफ था और उसे एक फ़र्द की हैसियत दी जाती थी, फिर उसने सोनिया से इल्तिजा की कि क्या वो नताशा की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देकर उसे समझा सकता है। लेकिन जब सोनिया ने उसे नताशा के भरम की कसम दी तो उसने सोनिया को बताया कि वो हमेशा राहिल की किस्मत पर रश करता आया है,
क्योंकि नताशा जैसी हमसफर किस्मत वालों को ही मिलती है। और उसने सोनिया से कहा कि वो नताशा को अपनाना अपने लिए एक एजाज से कम नहीं समझता। ये सब सुनकर राहिल का दिल आखिरी बार धड़क कर जैसे बंद हो गया। शायद कहीं दूर उसके दिल में अब भी ये उम्मीद थी कि फरहाद नताशा को किसी वजह से अपना ना पाए, मगर अब तो कहानी ही ख़त्म हो चुकी थी। नताशा को इस वारदात की खबर नहीं थी कि फरहाद को सोनिया ने पहले ही जहाज़ के ज़रिए हमारे शहर भेज दिया और राहिल उसे बंदरगाह ही पर अलविदा कह देगा। अलबत्ता माँ से क्या बहाना करना है, वो बात की बात थी। दुनिया का सबसे मुश्किल काम शायद अपनी मोहब्बत को खुद अपने दिल में पल पल मरते देखना है, और इससे भी मुश्किल खुद इसी मोहब्बत की लाश को अपने दिल में दफन करना है। मेरे सामने इस वक्त एक ऐसा ही शख्स खड़ा था जो अपनी मोहब्बत के लिए अपने दिल में घड़ा गोद चुका था और अब सिर्फ उसे दफनाने का इंतज़ार कर रहा था। मगरिब से कुछ देर पहले हबीबुल बशर साहब से भी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि उनके साथ जाने वाले सभी हाजियों से उन्होंने मेरे लिए दुआ करने का वादा लिया है। इन्हें शायद जहाज़ के तिब्बी मिशन से मेरी नासाज तबीयत का भी पता चल गया था। वो बहुत देर मेरे साथ अर्शे पर बैठे रहे। ईशा के बाद जब उनके जाने का वक्त हुआ तो मुझे ऊपर वाले 24 डेक पर जहाज़ के आखिरी रेलिंग के पास नताशा नज़र आई। आमतौर पर जहाज़ का अमला किसी मुसाफिर को मगरिब के बाद इतनी ऊंचाई पर खड़े रहने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कोई भी बड़ी लहर इंसान का तवाज़ुन बिगाड़कर उसे बीच समंदर में फेंक सकती है। एक लम्हे के लिए तो खुद नताशा के इरादे भी मुझे कुछ बदले से नज़र आए। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर उनके करीब पहुँचा। मेरे कदमों की आहट पर वो पलटी। कहीं आपने किसी शार्क मछली के साथ डिनर का वादा तो नहीं कर रखा? वो मुस्कुराई। नहीं, मेरी शार्क मछलियों से कभी अच्छी सलाम दुआ नहीं रही। हम दोनों कुछ देर खामोश खड़े लहरों को गिनते रहे। फिर उन्होंने मुझसे एक अजीब सा सवाल कर डाला। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है अब्दुल्ला? नहीं, मैं अभी मोहब्बत के मीम और इश्क के ऐन तक भी नहीं पहुंच पाया। और फिर सच ये है कि आपसे मिलने के बाद मुझे अपने जज्बे को फिर से दरियाफ्त करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। उनकी आंखों में हैरत थी। क्यों? मैंने गौर से उनकी तरफ देखा। आपसे मिलने के बाद मैंने ये जान लिया है कि हमारी मोहब्बतों का कोई इख्तिताम नहीं होता। शायद मोहब्बत की बका सिर्फ इस किला हासिल रहने ही में है। जिसे पा लिया जाए शायद वो मोहब्बत नहीं रहती, वरना इंसान का दिल इस मेराज को पा लेने के बाद फिर से खाक में क्यों लौटता? रिश्तों के नीले भंवर भी जब मोहब्बत की सुनहरी कमन को नई फसीलों पर अटकने से नहीं रोक पाते तो फिर हम एक नया कुलिया क्यों ना ईजाद कर लें? नताशा की आवाज़ खोई खोई सी थी। कैसा कुलिया? मैंने मुड़ कर देखा। यही कि हम अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली और शदीद मोहब्बत को इस शर्त से मुत्तसिल नहीं रख सकते कि खुद हम भी इसके लिए आखिरी मोहब्बत ही साबित होंगे, बल्कि हमें ये गुंजाइश भी रखनी होगी कि खुद हमारा दिल भी पलट सकता है। तो फिर ऐसी पलट जाने वाली चीज़ के लिए सर धड़ की बाजी लगाना कहाँ की दानिशमंदी है? आपने अच्छा किया कि मुझे एक नई राह दिखा दी। नताशा की आवाज़ में बेचैनी थी। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि जो वारदात मेरे दिल के साथ हुई है वो सभी के साथ हो। तुम अपने नज़रिए को क्यों बदल रहे हो? ये सिर्फ मेरी बदबख्ती भी तो हो सकती है। मैंने आखिरी वार कर दिया तो फिर इस बात की क्या ज़मानत है कि ये सियाह नसीबी फिर से अपने आप को नहीं दोहराएगी? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस रास्ते पर आप चल रही हैं तो वो सदा का बेनिशानो मंजिल है। कल तक राहिल आपकी पहली मोहब्बत थे, आपका हर ख्वाब उनसे वाबस्ता था, लेकिन आज आपको अपना मन फरहाद की जानिब खींचता महसूस हुआ है। एक अजनबी आपके सारे ख्वाबों पर काबिज हो बैठा, तो फिर इस बात की क्या ज़मानत है कि कल ये मन अपने धागे कहीं और नहीं उलझा बैठेगा? नताशा को एक झटका सा लगा। लेकिन तुम, मैं सिर्फ इतना समझ पाया हूँ कि बात अगर दिल के इख्तियार पर चलने की है तो फिर हमारा एक शायर सदियों पहले ही कह गया था कि दिल पर जोर नहीं। आप जिस माहौल में पली बड़ी हैं
उस माशरे में इंसान की आखिरी सांस तक ऐसे दिलकश हेवले उसका दिल खींचने के लिए उसके आसपास भटकते रहते हैं। कभी कोई फिल्म स्टार, कभी कोई खिलाड़ी, कभी कोई सिंगर, तो फिर आपके कुलिये के हिसाब से एक पल का सुकून मिलना भी मुहाल होगा। इंसान की ज़ात अंदर से जिन सैकड़ों हजारों खानों में बटी हुई है, दूसरा कोई भी एक इंसान इन सब खानों के खला को भरने की सलाहियत हरगिज़ नहीं रखता। ये किसी फ़र्द वाहिद के लिए मुमकिन ही नहीं। हम खुद भी किसी दूसरे के बनाए हुए हेवले का सिर्फ 15 या 20% ही पूरा कर पाते हैं। इसीलिए हम इन मशहूर लोगों, सेलेब्रिटीज़ में अपने मन के बनाए खाके की खूबियाँ तलाश करते रहते हैं। क्या कभी आपने दिल के मन के हेवले को टटोला है? हो सकता है खुद आप भी इसके अंदर की छवि का सिर्फ 5% ही करती हों। नताशा ने चौंक कर मेरी जानिब देखा, लेकिन राहिल ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। वरना यकीन करो, मैं उसके मन के अंदर मौजूद हर तस्वीर को उसके सामने ला खड़ा करती। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कितनी तस्वीरें जमा कर पाती आप? और क्या इंसान सारी ज़िंदगी इन्हीं शराबों के पीछे भागते गुजार दे और आखिर में खुद एक हेवला बनकर रह जाए? कहा यही मुकद्दर है हम मजबूर और बेकसी इंसानों का। हमें ज़िंदगी तो सिर्फ एक मिलती है, मगर ख्वाहिशें हज़ार सदियों के वज़न जितनी। नताशा की तरफ से बहुत देर तक खामोशी छाई रही, फिर जब वो बोली तो आवाज़ समंदर के अंदर से आती महसूस हुई। फिर इन हज़ार सदी की ख्वाहिशों का क्या हुआ? दिल पर कुफल कैसे लगाया जाए? मैंने उनकी जानिब देखा। अगर इस दिल ने हमारे साथ ला हासिल को ख़ास से आम करने का खेल रचाया हुआ है, तो फिर हमें भी इसके लिए किसी एक को हमेशा के लिए ला हासिल रख छोड़ना चाहिए, ताकि वही ला हासिल इसकी आखिरी चाहत साबित हो। हम अगर किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह इस दिल की हर बात मानते गए और इसकी पसंद का हर खिलौना इसकी झोली में डालते रहे, तो फिर ये भी उसी बच्चे की तरह चंद दिन खेल कर इस खिलौने को पुराना कर देगा, या दिल भर गया तो तोड़ देगा और फिर से किसी नए खिलौने के लिए मचलने लगेगा। तो क्यों ना इसे हमेशा के लिए खिलौने की आस में ही मुंतज़र छोड़ दिया जाए, ताकि वो हमेशा के लिए इसके लिए ख़ास रहे। मैं नताशा को सोचों के भंवर में छोड़कर नीचे कैबिन में चला आया। अगली शाम जहाज़ बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर चुका था। मेरे सामने वही साहिल बाहें खोले खड़ा था, जिसकी एक दरगाह पर नज़र आई एक झलक और एक जलवे ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। दूर से मैंने मम्मा और पापा को मेज़बानों वाले हिस्से की जाली के परे देखा। उनकी नज़र अभी मुझ पर नहीं पड़ी थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे जोहरा का धानी आँचल तो हमेशा पहली ही नज़र में निहार जाता था। मगर क्यों आज अभी तक मेरी नज़र उसे ढूंढ नहीं पाई थी? जहाज़ बंदरगाह पर लग गया। हम सब एक एक करके सीढ़ियाँ उतरकर ज़मीन पर कदम रखते गए। राहिल के बाद उसकी बच्ची ऐनी और फिर नताशा ने आखिरी सीढ़ी को अलविदा कहा। दफ़तन नताशा की नज़र कुछ फासले पर खड़े एक सजे संवरे शख्स पर पड़ी और उसके कदम ज़मीन में गड़कर रह गए। मेरे दिल ने धड़क कर मुझसे कहा, फरहाद, आखिरी मोहब्बत। मैंने भी नताशा की नज़रों के ताकुब में निगाह डाली। वो यकीनन फरहाद था। उसके अंदर जो एक ख़ास लापरवाही थी और उसके सफ़ेद लिबास पर जचती नीली पी कैप उसे दूर ही से कोई मुसव्विर बता रही थी। ये सब ही तख्लीकी कामों से ताल्लुक़ रखने वाले एक जैसे ही क्यों होते हैं? वो उम्र में नताशा से कुछ कम दिखाई दे रहा था। नताशा अभी तक शौक की कैफियत से नहीं निकल पाई थी। वो बस इतना ही कह सकी, फरहाद, तुम यहाँ? फरहाद मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ा। हाँ, मुझे सोनिया से पता चला कि तुम पाकिस्तान आ रही हो। इत्तफाक से मेरी भी एक तस्वीरी नुमाइश है इसी शहर की आर्ट गैलरी में। सोचा तुम्हें सरप्राइज़ देकर हैरान कर दूँ। नताशा अभी तक किसी ख्वाब की कैफियत में थी। राहिल की आंखें नम होने को थीं, मगर वो जब्त किए खड़ा रहा। मैंने आगे बढ़कर नताशा से कहा, चलें,
आपका काम आसान हो गया। लोगों को ख्वाब देखने के लिए रात भर आंखें बंद करके नींद का मोहताज होना पड़ता है, जबकि आपका ख्वाब खुद चलकर आपके पास आ गया है। मेरा मशवरा तो यही है कि अब अपने सपने के साथ ही लौट जाएं। ख्वाबों को जीने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुहाने ख्वाबों की उम्र बहुत कम होती है। इतने में राहील ने भी तायीद की, अब्दुल्ला ठीक कह रहा है नताशा, मैं अपनी माँ को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम यहाँ तक मेरे साथ आई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब यहाँ से आगे हमारे रास्ते जुदा हैं। नताशा शायद कुछ समझ गई थी कि फरहाद की यहाँ आमद के पीछे क्या मकसद कार फरमा है। उसके बदन पर जैसे एक लर्जा सतारी था, वो किसी पत्ते की तरह कांप रही थी और अपनी लर्जाहट छुपाने की कोशिश में उसका वजूद मजीद रेत हुआ जा रहा था। राहिल ने एनी का हाथ पकड़ा और मुखालिफ सेमत में कदम उठाए। एनी ने हैरत से अपनी माँ को वहीं जमे देखा और फिर उसे जाते जाते आवाज़ दी, मम्मा। नताशा को जैसे एक झटका सा लगा और वह जल्दी से पलट कर चिल्लाई, रुक जाओ राहिल। राहिल के कदम जम गए, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। नताशा तेज़ी से मेरी जानिब बढ़ी, कल रात तुमने ठीक कहा था, दिल जैसे ज़िद्दी बच्चे की बात सुनी जाए तो हमारी मोहब्बतों का कभी इख्तिताम ना हो, तो फिर क्यों ना किसी एक को अपनी आखिरी मोहब्बत बना लिया जाए। मेरे रिश्तों के नीले भंवर ने आज हमेशा के लिए वो सुनहरी कमन तोड़ डाली है, जो आसपास बिखरे हजारों दिलकश हेवलों की फसील पर हर बार अपनी कुंडी अटका बैठती है। मैं पेरिस वापस जाने से पहले तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी अब्दुल्ला, इस तजदीद वफा का शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन तुम मुझसे भी एक वादा करो कि अपना नज़रिया कभी नहीं बदलोगे, क्योंकि आज से मेरा भी यही नज़रिया है और मैं ये पैगाम हर मोहब्बत करने वाले तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। मैंने मुस्करा कर इस नई नताशा को देखा। हर मोहब्बत आखिरी मोहब्बत होती है और आखिरी मोहब्बत बन कर ही नाजिल होती है। ऐसा ना होता तो शायद हम कभी मोहब्बत में मुब्तला ही ना हो पाते। मोहब्बत सूरज की किरणों की तरह दर्जों से छन कर हमारा आसपास मुनव्वर कर सकती है, मगर मोहब्बत को किसी भी शर्त से मुतसिल करने की ज़रूरत नहीं होती। बंधन और रिश्ते खुद मोहब्बत के आखिरी होने की ज़मानत बन जाते हैं। मोहब्बत के हज़ारों सूरज हैं, मगर हमें बस अपने हिस्से के एक आफ्ताब ही की रोशनी समेटनी होती है। लेकिन सूरज की तरह चमकने के लिए पहले इसकी तरह झुलसना भी सीखना पड़ता है। आज आप भी तप कर कुंदन बन चुकी हैं, जाइए, आपकी मोहब्बत का सूरज आपका इंतज़ार कर रहा है। नताशा ने मेरे हाथ के इशारे के ताकुब में दूर खड़े राहिल की जानिब देखा। फरहाद को सुनाने के लिए इस बार मैंने अंग्रेज़ी में बात की थी। नताशा पलटने से पहले फरहाद की तरफ बढ़ी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया फरहाद कि तुम मेरा इस्तकबाल करने के लिए यहाँ तक आए, लेकिन अभी मुझे जाना है राहिल के साथ। हाँ, अलबत्ता अपनी नुमाइश का दावतनामा ज़रूर भेजना, मैं राहिल और एनी नुमाइश देखने ज़रूर आएंगे और तुमसे अच्छी सी ट्रीट भी लेंगे, ये वादा रहा। नताशा ने अपनी भीगी आंखें पोछी और फरहाद को यूं ही हक्का बक्का छोड़कर राहिल के संग आगे बढ़ गई। काफ़ी दूर जाकर उसने पलट कर मेरी जानिब देखकर हाथ हिलाया। राहिल साहब ने भी पलट कर मेरी जानिब देखा, उनकी एक निगाह ही सारा खिराज अदा करने के लिए काफ़ी थी और फिर अगले लम्हे वो तीनों बंदरगाह की भीड़ में गायब हो चुके थे। फरहाद भी थके थके कदमों से पलट गया, उसे अपनी मोहब्बत के सूरज के लिए अभी कुछ और आसमान छानना बाकी थे। मैं सुल्तान बाबा के लिए आए क्रेन स्ट्रेचर के ज़रिए इन्हें लेकर नीचे उतरा ही था कि पापा की हमेशा की तरह जिंदगी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी, साहिर हम यहाँ हैं। पापा के साथ मम्मा भी खड़ी थीं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके बहते आंसू पहले ही घुट चुके थे। मैं लपक कर उनके करीब पहुँचा और फिर हम तीनों ही एक दूसरे को चुप कराते कराते रो रहे थे। मैं करीबन 6 माह के बाद उनसे मिल रहा था और मम्मा बार बार मेरा चेहरा अपने हाथों से यूं टटोल टटोल कर देख रही थीं, जैसे इन्हें अब तक यकीन ना आ रहा हो कि मैं वाकई उनके सामने खड़ा हूँ। ये माएँ सदा से औलाद के मामले में इतनी बेयकीन क्यों होती हैं,
इतनी देर में एम्बुलेंस भी बंदरगाह के मरकजी दाखिले से होती हुई मुकर्ररा जगह तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टरों की यही हिदायत थी कि अब मज़ीद कोई देर किए बिना सुल्तान बाबा को बड़े अस्पताल पहुंचा दिया जाए। मेरी आंखें बार बार मेज़बानों की गैलरी की तरफ उठ रही थीं। जितनी देर में सुल्तान बाबा को एम्बुलेंस में मुंतकिल कराया गया, तब तक मैं शायद सैकड़ों बार उस जानिब देख चुका था जहाँ से उस नाजाफरी को आना था, लेकिन वो रास्ता अपने ज़्यादा हुजूम के बावजूद मेरे लिए सुनसान ही रहा। मम्मा पापा दोनों मेरी बेचैनी बहुत अच्छी तरह भांप चुके थे, लेकिन न जाने क्यों दोनों ही चुप से थे। बिलाखिर मैंने मम्मा से पूछ ही लिया कि जोहरा क्यों नहीं आई। मम्मा ने बताया कि उन्होंने मेरे आने की खबर उसी दिन जोहरा के घर वालों तक पहुँचा दी थी जिस दिन उन्हें पता चला था। फिर भी जोहरा मेरे इस्तकबाल को क्यों नहीं आई? क्यों? सुल्तान बाबा को अस्पताल ले जाते हुए भी मेरे अंदर खुद ही सवाल उठते रहे और मेरा नादान दिल खुद ही इन वसवसों के जवाब और जवाब तराशता रहा। हो सकता है उसे ठीक खबर ही ना मिली हो, या हो सकता है वो कहीं भीड़ ही में फंस कर रह गई हो। ये बड़े शहरों का ट्रैफिक भी तो किसी अजाब से कम नहीं होता। या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे बंदरगाह से निकलते ही वहाँ पहुँच गई हो। हम भी तो सुल्तान बाबा की वजह से वहाँ ज़्यादा देर ठहर नहीं पाए थे। वो आई होगी और मुझे वहाँ ना पाकर कितनी परेशान हुई होगी। मेरा जहन किसी एक खदशे का सर उभारता तो मेरा सौदाई दिल उसके 100 उजर तराश कर मेरे सामने रख देता। मोहब्बत हमें कितने बहाने बनाना सिखा देती है। बंदरगाह से निकलने से पहले मैं ख़ास तौर पर अरशे पर खड़े हबीबुल बशर साहब से मिलने के लिए ऊपर गया। वो मुझे बहुत देर तक गले लगाए थपकते रहे और मेरे शाने उनकी पलकों से नम होते रहे। आते वक्त उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और धीरे से बोले, हम अगर इसकी जानिब एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी जानिब 70 कदम आता है। यकीन जानो तुम इसके बहुत करीब हो। मैं जितनी बार भी उसके घर पर निगाह डालूंगा मेरे दिल से तुम्हारे लिए ज़रूर दुआ निकलेगी और मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारी खोज ज़रूर अपने अंजाम को पहुँचेगी। मैं अपने ख्यालात से तब चौंका जब एम्बुलेंस अस्पताल के इंतहाई नगहदाश के शोबे की पार्किंग में जाकर रुक गई। मम्मा पापा भी अपनी गाड़ी में हमारे साथ ही पहुँच चुके थे और अगले चंद लम्हों में हम सुल्तान बाबा को अलहदा कमरे में मुंतकिल कर चुके थे जहाँ डॉक्टरों की एक पूरी टीम हमारी मुंतजर थी। सुल्तान बाबा ने गनूदगी के आलम में एक दो बार मुझ पर निगाह डाली और फिर दवाओं के असर तले उनकी पलकें झुकती चली गईं। हमें बड़े मौलज की हिदायत पर बाहर इंतज़ार करने का कहा गया। पापा चाहते थे कि मैं कुछ देर के लिए घर से ताज़ा दम होकर आऊँ, तब तक वो अस्पताल में ठहरते, लेकिन मैंने मना कर दिया और हम दोनों ने तकरीबन ज़बरदस्ती मामा को घर वापस भेजा, क्योंकि इन्हें अस्पताल के माहौल और इर्द गिर्द होती अनहोनियों से हमेशा ही खौफ आता था। मैंने उनसे वादा किया कि सुल्तान बाबा की तबीयत संभलते ही मैं कुछ देर के लिए घर ज़रूर आऊँगा और फिर हम सब रात का खाना एक साथ खाएंगे। वो बादल नाख्वास्ता छोटे छोटे कदम उठाती वहाँ से चली तो गईं, लेकिन तकरीबन हर कदम ही पर मुड़कर उन्होंने मुझसे मेरे अहद की तजदीद ज़रूर चाही। दुनिया का कोई भी फर्द अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता। ये वो सौदा है जो सूद दर सूद हर पल बढ़ता ही चला जाता है और शायद इस जहान का ये वाहिद उधार है जिसकी अदायगी किए बिना हम सब यक्के बाद दीगरे अलविदा कह जाते हैं। मम्मा के जाने के बाद मैंने काफ़ी वक्के से मुनासिब अल्फाज में पापा को अपनी बीमारी के बारे में बता दिया और मेरी तवक्को के मुताबिक वो मेरे लाख सहल अंदाज और तसल्ली के बावजूद एकदम ही घबरा से गए। अगर सुल्तान बाबा की तबीयत का ख्याल ना होता तो वो उसी वक्त मुझे इसी अस्पताल में दाखिल करवा देते। फिर भी जब तक मैंने उनसे वादा नहीं कर लिया कि अगली सुबह सबसे पहले मैं अपने तमाम मुआयने खुद इन्हीं की निगरानी में कराऊँगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठे और राहदारी में ही टहलते रहे। मुझे इस बात पर हैरत थी कि जब तक मैं अपने घर में था और मम्मा पापा के लाडले के तौर पर
उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, तब तक मुझे कभी पापा के अंदर सुल्तान बाबा जैसी बुजुर्गाना झलक नज़र नहीं आई थी। लेकिन आज मेरे सामने माथे पर बल डाले, बड़बड़ाते और मुझे डांटते हुए टहलने वाला ये शख्स मुझे अपना पापा से ज़्यादा अपना बुज़ुर्ग दोस्त लग रहा था। मुझे ये एहसास भी हुआ कि बुज़ुर्गी का ताल्लुक सिर्फ इंसान की उम्र बढ़ने से नहीं होता, ना सिर्फ अक्ल व दानिश इसकी वजह होती है, बुज़ुर्ग कुछ इससे बढ़कर कुछ सेवा होता है। पापा ही ने मुझे मेरे जिगरी दोस्त काशिफ के बारे में बताया कि वो इन दिनों किसी कारोबार के सिलसिले में लंदन गया हुआ है। वो मेरे अंदर की बेचैनी से खूब वाकिफ थे, लिहाजा मुख्तलिफ बहानों से मेरा ध्यान बटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मेरे जहन की जो कुंडी इस जोहरा जबी की पलक के खम में अटक चुकी थी, उसे शाम ढले तक उसकी मुसलसल गैर मौजूदगी के तमाम जवाब भुरभुरे होते नज़र आए। अगर किसी वजह से वो बंदरगाह पर मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंच सकी, तो फिर भी अब तक उसे मुझ तक पहुंच जाना चाहिए था। मुझे अपने शहर में उतरे 7 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई पयाम, कोई रुक्का, कोई संदेश तक मौसूल नहीं हुआ था। दफ़तन मेरे जहन में तहसील माही के मजजूब की आवाज़ गूंजी, जा तुझे खुदा मिलेगा, ना ही विसाले सनम। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। ठीक उसी लम्हे सुल्तान बाबा के कमरे का दरवाज़ा खुला और सब ही डॉक्टर एक एक कर कर बाहर निकल आए। मैं लपक कर उनके सरबरा के पास पहुंचा। वो कुछ फिक्रमंद से थे, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। सर पर गहरी चोट लगने के बाद मुसलसल आराम ना करने की वजह से रफ्ता रफ्ता पेचीदगियाँ पैदा होती चली गई हैं। बहरहाल मायूसी कुफर है, हमें एक आध दिन ही में बड़ा ऑपरेशन करना होगा। मेरा दिल डूब सा गया। मैं और पापा कमरे में दाखिल हुए तो आहट सुनकर बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आवाज़ में नकाहत नुमाया थी। तुमने फिर एक बार अपनी ज़िद पूरी कर ली ना मियाँ, अब ये डॉक्टर दिन रात तुम्हें डराते रहेंगे। हालांकि इनके हाथ में शिफा तो हो सकती है, लेकिन जजा नहीं। कज़ा और जजा का इख्तियार सिर्फ उसके पास है। जितनी सांसें लिखवा कर लाए हैं वो तो बहरहाल काटनी ही हैं। मैंने उनका हाथ थाम लिया। बात अगर सांसों की गिनती की है तो फिर मुझे वो कुलिया भी आज बता ही दें जिसके ज़रिए मैं अपनी बाकी मानदा सांसें भी आपके हिसाब में मुंतकिल कर सकूं। उन्होंने मेरी भीगी पलकें पोंछीं। ज़िंदगी सिर्फ सांसों ही में नहीं बाँटी जाती, तुम नहीं जानते तुम मुझे कितनी ज़िंदगी दे चुके हो। और हमेशा याद रखना, ज़िंदगी हमेशा सांसों ही से मुंसलिक नहीं होती। एक सफ़र ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। पापा ने धीरे से मेरे कंधे को दबाकर मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझे सुल्तान बाबा को आराम का मौका देना चाहिए। मेरी आंखें बहती रहीं। जाने हम अपने सबसे ज़्यादा अजीज़ रिश्तों से हमेशा ये तवक्को क्यों लगा बैठते हैं कि वो हमसे कभी जुदा नहीं होंगे। मेरा दिल और जहन किसी तौर पर भी ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि वो बुज़ुर्ग दानिश भी बाकी सब की तरह एक दिन अपनी पलकें मूंद कर गहरी नींद की चादर ओढ़कर चलते बनेंगे। ईशा के बाद रात की ड्यूटी वाली नर्स ने हमें याद दिलाया कि अस्पताल के कवानीन के मुताबिक कोई एक दीमादार ही वहाँ रात गुजार सकता है, और वो भी सुल्तान बाबा के कमरे से मुलहक्का गेस्ट रूम में। मुझे मम्मा से किया गया वादा भी याद था, सो मैं सुल्तान बाबा को आराम करता छोड़कर कुछ देर के लिए पापा के साथ घर चला आया। वही मानूस दीवारें, वही जानी पहचानी सी खुशबू, वही मम्मा की अपनी अपनी सी नौकरों को डांटने की आवाज़ें, वही दीवारों से लिपटी बेलें। शायद अगली ज़िंदगी में जिसे जन्नत से भी बढ़कर किसी को कुछ अता करने का फ़ैसला हुआ तो उसे वापस अपने ही घर भेज दिया जाएगा। मेरा कमरा भी बिल्कुल उसी तरह बिखरा हुआ था जैसे मैं अपनी आदत के मुताबिक उसे छोड़ कर गया था। शायद मम्मा ने मेरे जाने के बाद किसी को मेरे कमरे में दाखिले की इजाज़त नहीं दी होगी। मेरी परफ्यूम्स, सीडीज, सनग्लासेस, म्यूज़िक सिस्टम और ज़ाती थिएटर
सभी कुछ पैसा ही तो था, हत्ता कि मेरे कफलिंग्स और टाई पिन्स भी उसी तरह अपनी जगह पर पड़ी थीं। एक पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपना कमरा छोड़कर दोस्त के पास गया था और हमेशा की तरह आवारा गर्दी करके वापस लौट आया हूँ। मैंने अपने कमरे के फ़ोन से जोहरा के घर का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ बजती हर घंटी पर मेरे दिल की धड़कन उथल पुथल होने लगी। मुझे यूं लगा जैसे वो घंटी दूसरी जानब के फ़ोन की बजाय मेरे अपने मन मंदिर में बज रही हो, लेकिन बहुत देर बजने के बावजूद दूसरी जानब से फ़ोन नहीं उठाया गया। जोहरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी और इस एक नंबर के अलावा मेरे पास दूसरा कोई और नंबर भी नहीं था। खाने के दौरान भी मेरा ध्यान उसी जानब अटका रहा। मम्मा ने आज खाने पर पिछले तमाम महीनों की कसर एक ही बार निकालने की ठान रखी थी। मजबूरन मुझे उनका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने पास बिठाना पड़ा। मुझे सोचों में गुम डूबा देखकर पापा ने तजवीज़ पेश की कि हम तीनों खाने के बाद कुछ देर के लिए जोहरा की तरफ से भी हो आते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त वहाँ जाना कुछ मायूब सा लगा। और फिर वैसे भी मुझे वापस अस्पताल पहुँचना था, और फिर इससे पहले कि पापा मज़ीद इसरार करते अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। मैं अंदर तक झुंझला उठा, लेकिन दूसरी जानब की बात सुनते ही मम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। क्या? ओ अच्छा, जी जी, लेकिन किस अस्पताल में? अच्छा ठीक है। मम्मा ने फ़ोन रखा और अपनी सांस दुरुस्त करने की कोशिश की। जोहरा की गाड़ी तले कोई शख्स आ गया है, मेरे हाथ से नवाला प्लेट में गिर गया। मम्मा ने जल्दी में बताया कि जोहरा का ड्राइवर ठीक वक्त पर उसे बंदरगाह लाने के लिए नहीं पहुंचा, तो उसने खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव करने का फैसला कर लिया और अपनी अम्मी के लाख मना करने के बावजूद वो घर से खुद ही गाड़ी लेकर निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद ड्राइवर भी पहुंच गया, उसे भी जोहरा के पीछे दूसरी गाड़ी देकर भेज दिया गया। और फिर बंदरगाह से थोड़े फासले पर एक जगह हुजूम देकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और फिर अपनी मालकिन की गाड़ी के गिर्द खून बिखरा देखकर उसके तो होश ही गुम हो गए। पता चला कि कोई मोटरसाइकिल सवार जोहरा की गाड़ी तले आ गया है। नौजवान की नब्जें अभी चल रही थीं, लिहाजा लोगों के चीखने चिल्लाने के बावजूद ड्राइवर ने उसे अपनी गाड़ी में डाला और जोहरा समेत उसे लेकर करीबी अस्पताल की तरफ गाड़ी भगा दी। ये फ़ोन वहीं से जोहरा के वालिद ने किया था जब जोहरा घर से निकली थी। तब तक वो अपने दफ्तर से वापस नहीं लौटे थे और फिर जब घर पहुँचे तो इस उफ्ताद का सुनते ही वो जोहरा की अम्मा को लेकर फौरन अस्पताल के लिए रवाना हो गए। हैवी बाइक पर सवार नौजवान किसी ऊंचे घराने का चश्मोचिराग था और दूसरी जानिब के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। जोहरा के अब्बा ने पापा और मुझसे भी वहां आने की दरख्वास्त की थी क्योंकि मामला पुलिस का था। न जाने गलती किसकी थी, लेकिन मम्मा के बकौल जोहरा के अब्बा की आवाज़ से शदीद परेशानी झलक रही थी। मेरे दिल से बेख्तियार सदा निकली कि या मेरे मौला, उस घायल को अपनी अमान में रखना। अभी हमने घर से निकलने के लिए कदम उठाए ही थे कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी और इस मर्तबा मैंने लरसते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब सुल्तान बाबा के वो सीनियर मौलज थे जिन्हें मैं ख़ास तौर पर अपने घर का फ़ोन नंबर देकर आया था कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुझे फ़ोन पर इतला दे सकें। मैं सिर्फ इतना ही सुन सका कि सुल्तान बाबा की सांसें उलझने लगी थीं, लिहाजा इन्हें फिर से ऑक्सीजन पर मुंतकिल कर दिया गया है और वो गनूदगी में कई बार मेरा पूछ चुके हैं। मैं रिसीवर रख कर बाहर की जानिब लपका जहाँ मम्मा पापा पहले ही से गाड़ी में बैठ चुके थे। दोनों तरफ ही कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि समझ नहीं आ रहा था कि पहले किस तरफ को निकला जाए। मैंने पापा को जोहरा लोगों की जानिब जाने का कहा और ख़ुद दूसरी गाड़ी में सुल्तान बाबा की जानिब रवाना होने का इरादा किया। ड्राइवर जल्दी में गैराज से गाड़ी निकाल कर अभी पोर्च तक पहुँचा ही था कि मेरी रगों में फिर से अंधेरा छाने लगा। मैंने ज़ोर से अपने सर को झटका, लेकिन मेरी बसारत से रंग गायब होते गए और मेरे सर में धमाके होने लगे।
जहन में जेल की कैद के दौरान किए गए मुआयने वाले बड़े डॉक्टर के अल्फाज फिर से गूंजे। कोई भी शदीद परेशानी या अचानक खुशी की खबर इनके एहसाब को झंझोड़ कर इस निज़ाम को मुतहरिक कर सकती है, जो आगे चलकर किसी भी बड़े एहसाबी हमले की बुनियाद बन सकता है। अफसोस, वो निज़ाम मुतहरिक हुआ भी तो किस घड़ी, जब चारों तरफ से मसाइब मेरा घेराव कर चुके थे। मैं ज़ोर से लहराया और गाड़ी के बोनट का सहारा लेने की कोशिश की। मेरी हालत देखकर पापा तेज़ी से मेरी जानिब बढ़े, साहिर खुद को संभालो बेटा। लेकिन मैं शायद बहुत पहले संभलने के मकाम से आगे गुजर आया था। मेरी डूबती आँखों और बंद होती पलकों ने मम्मा को चीखते हुए मेरी जानिब बढ़ते देखा, लेकिन मेरी समातें आसपास के शोर से बेनियाज हो चुकी थीं। दूसरे ही लम्हे मैं पापा की बाहों में झूल रहा था, फिर न जाने मैं होश में था। एम्बुलेंस की घूमती सुर्ख बत्ती शोर मचाती सड़क के किसी गैर मुल्की अस्पताल की, हमारे शहर में मौजूद कड़ी का साइनबोर्ड, सफ़ेद गाउन पहने और मेरे स्ट्रेचर के साथ भागते डॉक्टर, बदहवास सी नर्सें, ऑपरेशन थिएटर की एक झटके से जलने वाली गोल फानूस नुमा रोशनियाँ, कुछ चमकते औजार, खून के छींटे, दर्द, कसक, बोझलपन, मेरी कनपटी की बाएं जानेब किसी इंतहाई तेज नश्तर की नोक की चुभन और फिर जिल्द से गुजरकर मांस के अंदर तक काट का एहसास और फिर वही सुर्ख अंधेरा। कई सदियों के बाद मेरी समाहत में कुछ हल्की सी सरगोशियां गूंजी, हमें अफसोस है आपके बेटे के बचने की उम्मीद बहुत कम है, अलबत्ता अगर आप चांस लेना चाहें तो इसे फौरन लंदन के रोजविल अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करें। वहां डॉक्टर एल्बर्ट ही वाहिद माहिर एसाबी अमराज हैं जो शायद इस वक्त कुछ कर सकते हैं। फिर मम्मा के रोने की आवाज़, एयरपोर्ट टर्मिनल के मखसूस ऐलानात, हवाई जहाज़ के पहियों के रन वे पर रगड़ती उड़ती चिंगारियां और फिर एक मुलायम आवाज़, हम लंदन के हेथरू एयरपोर्ट पर आपको खुश आमदीद कहते हैं।